एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ कि कैसे आप हीना से अपने बालों को काले घने बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हीना से होने वाले आप ऑरेंज बालों से छुटकारा डाल सकते हैं और इन्हें काले बना सकते हैं। और हीना में कुछ इंग्रेडिएंट डालकर आप इन्हें काले, लंबे, सिल्की, स्मूथ और डैंड्रफ फ्री पा सकते हैं। हीना का डार्क कलर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 10 से 12 लौंग। फिर आपने लेने हैं 20 से 30 पीस आमले के। फिर आपने लेना है 2 चम्मच चाय पत्ती के। मैं यहाँ पे ताजमहल यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद आप इसमें 2 ग्लास पानी के डाल लें। अब इसमें उबाली आ जाए तो आप हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज़ के फ्लावर और लीव्स डाल लें। हिबिस्कस के लीफ और फ्लावर डालने के बाद आप इसमें अनार के छिलके डाल लें। मैं यहाँ पर एक अनार का छिलक यूज़ कर रही हूँ। अब आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद आप इसे अच्छे से ढककर रख दें। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे स्ट्रेन की मदद से अलग कर लें। अब आपने लोहे का बर्तन लेना है और इसमें हीना को डाल लेना है और बाद में जो पानी उबाला है वो इसमें डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे आपने तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मिक्स होने के बाद आप इसे अच्छे से ढक कर रख दें 24 घंटों के लिए। The next day. 24 घंटे हीना को रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना डार्क हो गया है। ये ब्लैक कलर की हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। इसे आप लोहे के बर्तन में ही रखें, इससे आपका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे 2-3 दिन तक रखकर भी रख सकते हैं, ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बालों में हीना को अच्छे से लगाकर 2 घंटों के लिए छोड़ दें। 2 घंटों में आप हीना को शावर कैप से ढक लें। शावर कैप से हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हीना डार्क होगी। 2 घंटे लगाने के बाद आप शैम्पू से अच्छे से इसे धो लें। जो पानी बॉईल किया हुआ था लौंग और आमले वाला, आप इसे अलग कर कर रख सकते हैं। इसे आप स्प्रे बॉटल में निकाल लें या फिर कॉटन लें और इस पानी में अच्छे से डिप कर अपनी रूट्स में अच्छे से लगा लें। अगर आप ये पानी डेली बालों में लगाएंगे तो इससे आपके बाल आने लगेंगे, आपके बालों की झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपके बाल लंबे, घने और वॉल्यूम वाले हो जाएंगे। हीना के नुस्खे को और पानी को आप जरूर यूज़ करें, इससे आपके ग्रे हेयर रिमूव होंगे, आपके बाल घने होंगे और सिल्की स्मूथ भी होंगे।